नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। लोकसभा विशेष अधिकार समिति के सामने निशिकांत दुबे आज पेश हुए हैं, जहां उन्होंने राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, और निशिकांत दुबे उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों निशिकांत दुबे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है, पूरा माजरा आइए विस्तार से समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लोकसभा विशेष अधिकार समिति के सामने पेश हुए, वहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की। दुबे का आरोप है कि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक जो है बयान दिया, जिस पर उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन जो है प्रस्ताव की मांग की जाती है। लोकसभा सांसद सुनील सिंह ने दुबे को समिति में गवाह के तौर पर पेश होने को कहा। पैनल के प्रमुख सुनील सिंह के अलावा उसमें टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी, कांग्रेस के सुरेश, सीपी जोशी, दिलीप घोष, राजू बिस्टा और बीजेपी के गणेश सिंह जो है शामिल है। बैठक में के सुरेश और कल्याण बैनर्जी जैसे सांसदों ने तर्क दिया कि इस तरह के जो वह उल्लंघन है उसके लिए कोई आधार नहीं था, क्योंकि वायनाड के सांसद का भाषण पहले ही हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक डीएमके जो है एमपी टीआर बालू आज कमेटी के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैनल को लिखा है कि ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है जो राहुल के खिलाफ कोई दलील दे सके। वहीं दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 3 विशेष अधिकार नोटिसों को स्थानांतरित करने की यह आवश्यकता है। दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया, जब सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा की कार्रवाई से इसे हटा दिया गया था, लेकिन राहुल के सोशल मीडिया हैंडल से उनको नहीं हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक दुबे ने कहा कि किसी भी राज्य के नेता या राज्य के प्रमुख के अधिकार और स्थिति को कम करना राष्ट्रीय हित से समझौता करना है। राहुल ने अडानी के खिलाफ जो आरोप लगाए वो भारत के हित के खिलाफ है, क्योंकि इसराइल और बांग्लादेश में उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि बीजेपी शासन में अदानी ग्रुप का बांग्लादेश के साथ बिजली संयंत्र समझौता हुआ, जबकि 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच भी समझौता हुआ था। अब ऐसे में भाजपा के निशिकांत दुबे ने अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर एक संसदीय समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान भाजपा नेता के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग की। दरअसल बजट सत्र के पहले चरण में राहुल गांधी के भाषण के बाद निशिकांत दुबे ने 7 फरवरी को उनके खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस दिया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हिंडसबर्ग अदानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए दुबे ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी की टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाए जाने के बावजूद वे अब भी उनके और कांग्रेस के अधिकारी की यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद सुनील सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। दुबे के हवाले से एक सूत्र ने कहा, न केवल एक बल्कि 3 प्रकार के विशेषाधिकार उन पर लागू होते हैं और वह आदतन जो है अपराधी हैं, और इसीलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। दुबे ने अपनी बात की पुष्टि के लिए दस्तावेज और रिपोर्ट भी पेश किए और उनके जरिए ये दावा किया कि कांग्रेस नेता के लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और व्यवसायी गौतम अदानी के विभिन्न सौदे जिनका उन्होंने यानी राहुल गांधी ने उल्लंघन किया था कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान किए गए थे। दुबे ने राहुल गांधी की बर्खास्तगी की अपनी मांग के समर्थन में 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित करने का भी हवाला दिया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी, आपको बता दें, जब लोकसभा राज्यसभा में भाषण का माहौल चल रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है
धन्यवाद प्रस्ताव जो है चीज़ें देखने के लिए मिले थे। उस दौरान सभी को मौका मिला था बोलने के लिए, और राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है गौतम अदानी के रिश्ते को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे। आलम ऐसा भी था कि राहुल गांधी ने एक पोस्टर भी निकाला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं, और इस पोस्टर को दिखाते हुए उन्होंने सवाल दागने का प्रयास किया था जब सभापति से उन्हें फटकार जो है लगाई गई थी। अब इस दौरान अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर तो ये साफ तौर पर जो है राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ बयानबाजी की थी। उस दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए बयानों को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि मान्यवर यानी राहुल गांधी इस तरीके से सदन के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते, साथ ही साथ इस तरीके की बयानबाजी का कोई साक्ष्य उनके पास होना चाहिए। उस वक्त राहुल गांधी ने यह कहा था कि उनके पास पूरे प्रूफ है और वो उन्हें उपलब्ध करा देंगे। ये जब पूरा आप कह सकते हैं कि सेशन जब खत्म हुआ, इसके बाद जो बीजेपी के सांसद और नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इस मामले को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरा, काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हुई। और इसके बाद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस जो है जारी करने की बात कही। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा जो है राहुल गांधी को ये भी कहा गया कि जो उन्होंने बयान दिया है किस बेसिस पे दिया है, उनके पास क्या प्रूव है, इन सभी की डिटेल उन्हें बताने के लिए। इसके बाद ऐसी खबर आई कि राहुल गांधी ने अपने पूरे जो बयान थे, राहुल गांधी जो अपने जो उन्होंने चीज़ें कही थी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी को लेकर, उसे स्पष्ट करते हुए काफ़ी सारे पन्नों की जो रिप्लाई है उन्होंने किया था। लेकिन ये सवाल था कि शायद राहुल गांधी के बयानों से सभापति संतुष्ट ना हो और इससे जो है चीज़ें और ख़राब हो, या फिर आप कह सकते हैं राहुल की सदस्यता चली जाए। इस दौरान ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी जेल भी जा सकते थे, क्योंकि ऐसा ही एक मामला उनकी दादी इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था जिसके वक्त इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। अब ऐसे में कहा जाता था कि राहुल गांधी या तो जवाब देंगे या तो जेल जाएंगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग भी है जो है ज़ोरों से उठती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जो है लोकसभा विशेष अधिकार समिति के सामने पेश हुए थे, जहां पर ही उन्होंने कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। दुबे का यह भी आरोप है कि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान दिया, जिस पर उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव की मांग की जाती है। लोकसभा सांसद सुनील सिंह ने दुबे को समिति के गवाह के तौर पर पेश होने को कहा। पैनल के प्रमुख सुनील सिंह के अलावा उसमें टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी, कांग्रेस के सुरेश, सीपी जोशी, दिलीप घोष, राजू बिस्टा और बीजेपी के गणेश सिंह शामिल हैं। बैठक में इसके सुरेश कल्याण बैनर्जी जैसे सांसदों ने तर्क दिया कि इस तरह के उल्लंघन के लिए कोई आधार नहीं था, क्योंकि वायनाड के सांसद का भाषण पहले ही हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक डीएमके एमपी की टीआर बालू आज कमेटी के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैनल को ये लिखा है कि ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है जो राहुल के खिलाफ कोई दलील दे सके। वहीं दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ 3 विशेष अधिकार नोटिसों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया जब सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था, और इसी मामले को देखते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की भी उन्होंने मांग की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है, क्या राहुल गांधी को अपना पद जो है वो गंवाना पड़ सकता है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।